बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम शीर्षासूरी की पृष्ठभूमि से शुरुआत करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन में कितने अंग थे और उसमें विभिन्न तत्वों की क्या भूमिका थी, सुल्तान की क्या भूमिका थी। फिर हम ये देखेंगे दीवान वजीरात क्या था, दीवान आर्ज क्या था, दीवान रसालात क्या था, फिर दीवान इंशा की क्या भूमिका थी। ये सारे तत्व केंद्रीय प्रशासन के रहे। फिर हम प्रांतीय प्रशासन के तहत ये देखेंगे कि एकता या सूबा या प्रांत में किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। फिर हम ये देखेंगे कि विभिन्न एकताओं को कैसे जिलों में बांटा गया, जिलों को तत्कालीन समय में सरकार कहा गया एवं जिलों को विभिन्न परगने या तहसीलों में बांटा गया और एक तहसील में अनेक ग्राम होते थे। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि शासन शीर्ष से लेकर निम्न स्तर तक किस तरीके से था, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से एक एक करके बिंदुवार परिचर्चा करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम आते हैं केंद्रीय प्रशासन के ऊपर। केंद्रीय प्रशासन में सत्ता की सर्वोच्चता थी सुल्तान के पास। शेरशाह ने अफगानों की भावनाओं और परंपरा का सम्मान करते हुए सम्मान और निष्ठा को जीतने के उद्देश्य से उन्हें अच्छा भुगतान किया, लेकिन वह जानता था कि भारत में राजाओं के अफगान सिद्धांत व्यवहारिक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अफगानों की परंपराओं को बदल दिया और व्यवहार में तुर्की के राजाओं के सिद्धांतों के वह निकट आ जाता है। इसीलिए शेरशाह ने स्वयं के व्यक्ति में सभी प्रशासनिक शक्तियों को केंद्रित किया। मुगलों के मंत्रियों की तुलना में मंत्रियों ने कम शक्तियों का आनंद लिया। उनके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, सभी बड़े फैसले शेरशाह और मंत्रियों और रईसों ने किए और अंजाम दिया। इस प्रकार शेरशाह एक निरंकुश शासक था जिसका उद्देश्य प्रजा का भला करना था। उस उद्देश्य के लिए शेरशाह ने दिन में 16 घंटे तक भी शासन प्रशासन का प्रभार अपने ऊपर संभाला एवं हर विभाग के कामकाज पर अपनी पैनी नजर रखी। अब हम आते हैं कि शेरशाह के शासनकाल में विभिन्न मंत्री कौन कौन थे एवं मंत्रियों की क्या क्या भूमिका थी। शेरशाह के सचिव थे किंतु उनके पास किसी भी नीति की पहल या अंतिम निर्णय की शक्ति नहीं थी, लेकिन वे प्रशासन की सुविधा के कारण वहां बनाए गए थे। ऐसे विभाग थे जिनके प्रशासनिक प्रमुखों को मंत्रियों के पद का आनंद मिलता था। इस प्रकार थे प्रमुख मंत्री पद, जिनमें पहला था दीवान वजीरात। इस विभाग के प्रमुख को वजीर कहा जाता था, मुख्य रूप से वित्त मंत्री था। राज्य की आय व्यय की देखभाल करना अर्थात सभी प्रकार के आर्थिक साधनों के खर्च एवं व्यय से संबंधित विषय को दीवान वजीरात या दीवान वजीर देखता था। दीवाने आरज, यह विभाग आरज ममालिक के अधीन था जो सेना का मंत्री था। वह सेना का कमांडर इन चीफ नहीं था, लेकिन भर्ती, संगठन, अनुशासन, प्रशिक्षण, सैनिक अधिकारियों के वेतन एवं उनका वितरण, सेना के सभी प्रकार के आपूर्ति की देखभाल करता था। वस्तुतः दीवाने आरज मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण विभाग था, क्योंकि यह युद्ध एवं साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा से जुड़ा हुआ था और इसके प्रमुख के रूप में अपनी शक्तियों का नियंत्रण शेरशाह ने स्वयं अपने पास रखा। शासन का केंद्रीय स्तर पर तीसरा विभाग महत्वपूर्ण था, दीवाने रसालात। इस विभाग के प्रभारी ने राज्य के विदेश मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने विदेशी दूत व राजदूत प्राप्त किए और विदेशी राज्य के साथ पत्राचार भी बनाए रखा। कभी कभी दान और बंदोबस्ती विभाग को भी उसके अधीन रखा गया था। शासन का चौथा भाग था दीवाने इंशा। इस प्रकार इसका प्रमुख था दवीरे खास कहा जाता था, जो राज्य के आंतरिक पत्राचार को देखता था। शाही उद्घोषणा और विभिन्न प्रकार के राज्यपालों के द्वारा अन्य अधिकारियों को भेजे गए विभिन्न पत्रों का ब्यौरा रखता था। उन्होंने अपने संचार को भी प्राप्त किया और सुल्तान को सूचना भी देता था। इस प्रकार एक तरीके से यह विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दर्ज करने वाला विभाग था, लेकिन ये सभी सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण गोपनीय होती थी, जिन्हें दीवाने इंशा अपने महत्वपूर्ण संसाधनों के माध्यम से या महत्वपूर्ण दस्तावेजों के माध्यम से इन्हें विभिन्न तरीके से सुरक्षित रखता था।
इन मंत्रियों के अलावा केंद्र स्तर पर दो अन्य महत्वपूर्ण विभाग थे जिनमें प्रमुख मंत्री नहीं थे, लेकिन सुल्तान इनसे बराबर विचार करता था। एक था दीवाने काजा, जिसका प्रमुख काजी होता था। मुख्य काजी सुल्तान के बगल में ही न्याय प्रशासन का प्रमुख कार्य करता था। दूसरा होता था दीवाने वरीद, जिसकी अध्यक्षता वरीदे ममालिक करता था, जो खुफिया विभाग का प्रमुख होता था। उसने राज्य के उन नए लोगों और जासूसों की देखभाल की जो सभी महत्वपूर्ण भागों पर तैनात थे। शाही डाक को लेने ला जाने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अन्य उच्चाधिकारी था जो शाही घराने की व्यक्तिगत सुरक्षा भी प्रदान करता था। इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से शेरशाह सूरी के अधीन केंद्रीय प्रशासन था। केंद्रीय प्रशासन मुख्य रूप से चार विभागों में बटा हुआ था, लेकिन अन्य दो विभाग भी थे, दीवाने बरीद एवं दीवाने कज्जा। अब हम देखते हैं कि केंद्र से सत्ता कैसे प्रांतों की और आती है। प्रांतों को तत्कालीन इतिहास में या मध्यकालीन काल में जब शेरशाह का शासन था, उस समय प्रांतों को सूबा कहा जाता था और सूबा को ही इकता भी कहा जाता था। शेरशाह ने प्रांतीय प्रशासन के बारे में बहुत कम हमारे पास जानकारी है, जो भी जाना जाता है। इतिहासकार इस विषय पर मतों में भेद रखते हैं। इतिहासकार डॉक्टर कानुंगा के अनुसार शेरशाह के शासनकाल में एकता या सूबा नामक कोई प्रशासनिक इकाई नहीं थी। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई सरकार अर्थात जिले थे। डॉक्टर परमानंद सरन के अनुसार सूबेदार थे, जहाँ शेरशाह द्वारा सैन्य गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी। डॉक्टर एल श्रीवास्तव एक भिन्न मत रखते हैं कि हिंदू शासकों के अलावा जिन्होंने शेरशाह के शासन को स्वीकार कर लिया था और आंतरिक मामलों में प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र थे, वहां प्रांतों को बुलाया गया और अन्य गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किए गए। सूबेदारों को लाहौर, मालवा और अजमेर में नियुक्त किया गया। डॉक्टर ए बी पांडे कहते हैं कि एक प्रांत प्रमुख को हाकिम अमीन या फौजदार कहा जाता था, और पंजाब के हाकिम खान या हाकिम को पंजाब के मसादत आला की उपाधि दी गई, जिसमें 3,000 सैनिकों को रखने और जागीर को अपने अधिकारियों में बांटने का हमें उदाहरण मिलता है। उसी तरीके से खवास खान को राजपूतों का सूबेदार नियुक्त किया गया और 2,000 सैनिकों को रखने की अनुमति दी गई। शेरशाह ने बंगाल के सुदूर प्रांत का प्रशासन करने के लिए एक तरीका अपनाया और वहां कोई गवर्नर नहीं था, बल्कि बंगाल को उसने सरकारों में विभाजित किया था। पर पूरे सूबे को सरकार या विभाजित कर दिया गया, जिनमें प्रत्येक को एक सैन्य अधिकारी के द्वारा शासित किया गया। सभी प्रमुख सियादारों को ऊपर प्रांतों के प्रशासन की निगरानी के लिए छोटे सैन्य बल के साथ अमीने बंगाला नामक नागरिक अधिकारी नियुक्त किया गया। इस प्रकार बंगाल में कोई सैन्य गवर्नर नहीं था और सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने की स्थिति होने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ी ताकत की कमान संभालने वाला कोई अन्य अधिकारी नहीं था। इस प्रकार शेरशाह के शासनकाल में प्रांतों में प्रशासन में एक रूपता नहीं थी, लेकिन शेरशाह के द्वारा सभी प्रांतों में कड़े अनुशासन में रखा गया एवं 1541 को छोड़कर किसी भी प्रांत 1541 में को छोड़कर किसी भी प्रांत के द्वारा कभी विद्रोह नहीं किया गया, जो किया गया वह सुल्तान के द्वारा शीघ्रता से दबा दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि प्रांतों की शासन व्यवस्था के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, और अंतिम रूप से निर्णय के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रांतों में अधिकतर जगह गवर्नर थे, लेकिन बंगाल ऐसा प्रांत था जहां उसने प्रांत में किसी तरह का कोई गवर्नर नहीं रखा, बल्कि जिलों में जिला दंड नायक एवं सिविल अधिकारी के रूप में अधिकारियों को रखा। अब आता है, उसने प्रांतों को विभिन्न प्रकार के जिलों में बांटा और जिलों को तत्कालीन समय में सरकार कहा जाता था। कोई जिलों में विभाजित किया गया। हर सरकार में दो मुख्य अधिकारी होते थे, शिकदार या शिकदारान, जो प्रमुख शिकदार एक सैन्य अधिकारी होता था। उन्हें अपने सरकार या जिले में शांति बनाए रखनी होती थी और अपने अधीनस्थों के शिकदारों के काम की निगरानी और राजस्व के अन्य करों का संग्रह में मदद करनी होती थी। अन्य अधिकारी होता था मुंसिफ, मुंसिफान या मुंसिफ। यह मुख्य रूप से न्यायिक अधिकारी था और केवल दीवानी मामलों में फैसला देता था। परगने में अपने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के कामकाज की वह देखरेख करता था। निश्चित रूप से इन दोनों अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में कनिष्ठ या सहायक अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता मिल रही होगी।
जिलों को या सरकार को विभिन्न परगने या तहसीलों में बांटा गया। प्रत्येक सरकार को परगना नामक छोटी इकाई में विभाजित किया गया। प्रत्येक परगना में एक शिकदार और अमीन, मुनसिफ, फतेहदार और दो कारकुन रखे जाते थे। अर्थात कुल अधिकारी 5 होते थे। सैन्य अधिकारी होता था, सिविलियन जज होता था, कोष अध्यक्ष अर्थात राजस्व का प्रमुख होता था और 2 क्लर्क होते थे। एक परगना विभिन्न प्रकार के ग्रामों में विभाजित होता था। आपने वंशानुगत अधिकारियों जैसे चौकीदार, पटवारी आदि के हाथों में गांव का प्रशासन छोड़ दिया था। गांव पंचायत ने भी लोगों के कल्याण को देखते हुए स्वतंत्रता का बड़ा उपभोग किया। इन सभी ने राज्य के अधिकारियों को राजस्व एकत्र करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता की। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने ये समझने का प्रयास किया कि शेरशाह सूरी को महान बनाने वाली उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक रूपता नहीं थी लेकिन नियंत्रण था, अनुशासन था एवं जवाबदेहिता भी उसमें निश्चित रूप से तय की गई थी। हालांकि शेरशाह सूरी का शासनकाल अल्प रहा लेकिन उसके द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी उसी व्यवस्था को आगामी समय में कुछ अधिक मात्रा में या अल्पाधिक मात्रा में अकबर के द्वारा भी स्वीकार किया गया। यह प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह को बहादुर लड़ाका से काबिल सुल्तान का दर्जा भी देती है।